दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एवन इंफॉर्मेशन में। मैं हूं आपका दोस्त एसके। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एक बहुत ही स्मॉल मशीन। जी हां दोस्तों, ये मशीन बहुत इजी तरीके से वर्क करती है और आप इसे घर पर लगा करके लेडीज भी इसे ऑपरेट कर सकती है, और अगर आप छोटे बच्चे को भी अगर इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए देते हो तो वो भी इस मशीन को ईजी तरीके से ऑपरेट कर लेता है। और इस मशीन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों, इसे बच्चों से लेकर के बूढ़े महिला है सब इस प्रोडक्ट को बहुत ईजी तरीके से खरीदती है और खाती है। इस प्रोडक्ट को आप हाथों हाथ ईजी तरीके से सेल कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉटन कैंडी के बारे में। देखा दोस्तों, कॉटन कैंडी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे बुढ़िया के बाल भी कहा जाता है और इसे कॉटन कैंडी इसे इंग्लिश में इसका नाम कहा जाता है। इस प्रोडक्ट को बहुत इजी तरीके से आप मार्केट में इसे सेल कर सकते हो और अच्छा खासा प्रोडक्ट इसे आप बना करके मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हो। ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इसे सेल करना है, कितना आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है, मशीन आपको कहाँ से लेनी है, मशीन किस तरह से वर्क करती है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं आज कॉटन कैंडी के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। ये बहुत छोटी स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करने वाला बिज़नेस है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉटन कैंडी मशीन है, इससे कॉटन कैंडी बनती है बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कि कॉटन कैंडी बनती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कॉटन कैंडी बनती है। तो दोस्तों फर्स्ट आपका प्रोसेस रहता है, ये मशीन का स्विच है, इसको हम ऑन कर देते हैं तो ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद ये आपका हीटिंग वाला है, ये जो भी आपको टेम्परेचर इसका सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो फिर आपकी ये हीटिंग के लिए लाइट वाली रेड वाली लाइट जल जाती है। फिर हमारा सेकंड प्रोसेस आता है कि आपकी शुगर जो चीनी बोलते हैं वो हम इसमें इसके कंटेनर में फिल कर देते हैं। तो कुछ तरीके इस तरीके से हम इसमें आपकी शुगर फिल कर दी है कंटेनर में। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है जिससे आपकी कॉटन कैंडी तैयार होगी। तो ये जो आपका स्विच दिख रहा है आपको, तो ये आपका ये इसके जो राउंड करेगा इस जिससे कॉटन कैंडी बनेगी। तो मैं इसको आप स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कॉटन कैंडी बन रही है दोस्तों। कि बहुत स्मॉल स्किल पे करने वाला बिज़नेस है ये। आप बिज़नेस लगाकर काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हैं, शादी पार्टी के ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं, या फिर आपकी कहीं शॉप है या मॉल वगैरह में शॉप है तो वहाँ पर भी इसे लगाकर काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से सिंपल तरीके से ये कॉटन कैंडी बन रही है। अब ये बन जाएगी तो फिर मैं आपको एक स्टिक में इसे लगा कर दिखाऊँगा कितनी ये अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद रहती है। ये बच्चों के फंक्शन वगैरह में भी इसका ज़्यादा स्कोप रहता है। तो दोस्तों अब ये कुछ इस तरीके से कॉटन कैंडी बन गई है। तो अब मैं इसे आपको इस स्टिक में लगाकर दिखाऊंगा किस तरीके से ये आपकी कॉटन कैंडी बन रही है। तो ये आपकी इस तरीके से कुछ कॉटन कैंडी आ जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से कुछ बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो इसे आप लगाकर काफ़ी सारा मुनाफा भी क्रिएट कर सकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये मशीन आपको? अगर आपको ये मशीन पसंद आती हो तो आप इसे परचेज़ कर सकती हैं, मेरी कंपनी आ सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर दे रखे हैं, उस नंबरों पे कॉल करके इसकी सारी डिटेल कलेक्ट कर सकती हैं, कंपनी विज़िट कर सकती हैं और इसका लाइव डेमो देख सकती हैं। और मशीन अगर पसंद आती है तो आप इसे परचेज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों इसमें जो लगने वाला रॉ मटेरियल है वो बहुत ही सस्ते तरीके से आपको मार्केट में मिल जाने वाला है। जी हां दोस्तों, इसमें आपको चीनी ले लेनी है, तेल लेना है, स्प्रिट लेना है और खाने वाला गुलाबी रंग लेना है आपको। और पैक करने के लिए आपको प्लास्टिक या अगर आप इसमें स्टिक में पैक करना चाहते हो तो स्टिक में पैक करके आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से पैकिंग करके आप मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हो। और दोस्तों ये प्रोडक्ट आपका बहुत इजी तरीके से सेल हो जाता है। जी हां दोस्तों, कॉटन कैंडी को बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और बड़े लोग भी बहुत इजी तरीके से इसे खा लेते हैं और इस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और कम कॉम्पिटिशन होने के कारण इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बिज़नेस के बारे में। जगह दोस्तों आपके शहर में, आपके सिटी में अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो अगर आपके शहर में 10 बंदे भी हायर कर लेते हो इस बिज़नेस को करने के लिए, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो एक बंदे को अगर आप 100 पीसेस भी सेल करने के लिए देते हो कॉटन कैंडी की, तो आप 10 बंदों को 100 पीसेस के हिसाब से 1000 कैंडी सेल करने के लिए रोज़ाना का
दे सकते हो। और अगर आपके 10 बंदे पूरे दिन भर में आपके 1000 कैंडी को सेल कर देते हैं, एक कैंडी अगर आप 10 रुपये के हिसाब से भी मार्केट में सेल आउट कराते हो तो आपको 1000 कैंडी के पीछे 10000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1000 कैंडी सेल होती है 10 रुपये के हिसाब से, तो आपको 10000 का प्रॉफिट होता है। और अब मान लीजिए दोस्तों, आपने जो 10 बंदे हायर किए थे उनको आप 400 रुपये के हिसाब से उनकी मजदूरी देते हैं, तो 10 बंदों को आप 400 रुपये के हिसाब से अगर उनकी मजदूरी भी बांटते हो तो आपका 4000 रुपये का 10000 रुपये में से माइनस हो जाता है, तो फिर भी आपको 6000 रुपया इसमें बच जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल की। तो दोस्तों 1000 कॉटन कैंडी को बनाने के लिए अगर आपको मोटा मोटा खर्च हम 2000 रुपये भी पकड़ ले दोस्तों, तो फिर भी आपको 4000 रुपया इसमें बच जाता है। तो 4000 रुपये आप पर डे का आसानी से इसमें कमा सकते हो, बहुत ईजी तरीके का प्रॉफिट इसमें आप कर सकते हो। अगर आपके बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हो तो आप ज़्यादा बंदे हायर करके बिज़नेस कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है दोस्तों, क्राउड वाले एरियों में, भीड़भाड़ वाले इलाकों में, या आप मेलों में इसके ठेले लगा सकते हो, मेलों की जगह आपके बंदों को आप हायर कर सकते हो, या स्कूलों के पास आपके बंदों को हायर कर सकते हो, अलग अलग तरीके के बाज़ार वगैरह में भी आपके प्रोडक्ट को आप सेल आउट करा करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और अलग अलग एरियोज में आपके बंदों को आप भेज करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो बहुत ईजी तरीके से हर बंदा 100 आपके कॉटन कैंडी सेल कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपका जनरेट हो सकता है। तो अगर आप मशीन लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।